नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। चील चील चिल्ला के कजरी सुना। यहाँ आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जी हाँ, हमारा दावा है झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। आप हंसते चले जाएंगे और हंसते चले जाएंगे। जानेंगे कैसे इसका निर्माण हुआ और कैसा रहा इसके रिलीज के समय दर्शकों का रुझान। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। फिल्म का पूरा लेखा जोखा देंगे, प्लॉट को उजागर करेंगे और बताएंगे क्या रहा मूवी का 360 डिग्री इम्पैक्ट हमारे सिनेमा पर। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसे कॉमेडी मूवी का एक मजबूत लैंडमार्क माना जाता है। जी हाँ, कब से ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो। इस मूवी की टॉप 10 कॉमेडी में अगर गिनती की जाए ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे दोस्तों, अगर आपको नए जमाने की अंदाज अपना अपना पसंद है, जी हाँ वही अंदाज अपना अपना जिसमें आमिर खान और सलमान खान दोनों एक साथ आए थे, राजकुमार संतोषी ने उसे निर्देशित किया था, तो ये 1962 में बनी मूवी आपको बेहद पसंद आएगी। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ कवरिया, ओए। और कमाल की बात यह है कि पुरानी होने के बावजूद आप इस मूवी से आज भी ताल्लुक रखेंगे। उलझनों का जाल है, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप, बस बर बस हंसते चले जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1962 में आई किशोर कुमार और मधुबाला की एक साथ पर्दे पर आखिरी मूवी हाफ टिकट। ये मूवी केवल क्रिटिकल नहीं बॉक्स ऑफिस पे भी सक्सेसफुल रही। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करूँ तो 1 करोड़ रुपए थी उस जमाने में, 1 करोड़ रुपए जो आज के टाइम से 251 यानी 251 करोड़ है। आइए जाने दर्शकों को क्या क्या पसंद आया था इस मूवी में। बस थोड़ी देर में देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास। तुमको आपसे क्यों मालूम होते हो घर से भाग कर आए हो? हमारे साथ कोई नहीं है क्या? नहीं। मैं तो हूँ इसका चाचा, जल्दी करो। चाचा? मेरा बाप तो अपने बाप का जलौता बेटा था, फिर तुम कहाँ से टपक पले? अरे वाह वाह वाह, अरे बाबा, अरे बाबा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं इस फिल्म की कहानी पर। विजय जो इस फिल्म का हीरो है, एक अमीर बाप का बेफिक्र आवारा बिगड़ा हुआ छोटा बेटा है। उनके पिताजी कॉलेज में विजय के आए दिन शरारतों और हरकतों से परेशान हैं। तो जब प्रिंसिपल विजय को सस्पेंड करने की न्यूज देते हैं तो सेठ लाल चंद दुखी होने की बजाय खुश हो जाते हैं। विजय का नाम काट दिया जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। अजी इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम हड़ताल करना सीख गया, अगर ज्यादा पढ़ लेगा तो मजदूरों का लीडर बन जाएगा। अरे वाह, अब लड़के को सुधारने के लिए क्या किया जाए? जैसा कि उस जमाने का चलन था कि किसी को जिंदगी के मुतालिक संजीदा करना है तो उसकी शादी करवा दो। तो विजय के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए जाते हैं कि हम शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात इस उम्र में? अरे शिव संभो, हम तो ब्रह्मचारी हैं। वो सेठ जी के छोटे लड़के हैं ना। कौन? विजय बाबू। आप सब दर्शकों को याद होगा शोले का वो यादगार सीन जब अमिताभ बच्चन यानी विजय अपने दोस्त वीरू का हाथ मांगने मौसी के पास जाते हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं उसकी अच्छाई बताने की बजाय उसकी तारीफ करने की बजाय, मतलब वो इस तरह से बयां किया जाता है जैसे बार बार वो बोलते हैं, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। तब वो बोलते हैं, अब क्या बताऊं मौसी, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। इस सीन का इंस्पिरेशन हाफ टिकट से ही लिया गया है। प्याज पंडित जी, मटन मुर्गी खाने वाले को तो प्याज की जरूरत पड़ती है। शेव संभो, मांस इत्यादि भी खाते हैं। थर्रा चढ़ाने वाले को तो गोश्त की जरूरत पड़ती है। शादी से बचने के लिए विजय घर छोड़कर भाग जाता है। उधर मूवी का विलेन प्राण साहब जो एक हीरा चुरा के भागे हैं, वो पुलिस से बचने के लिए हीरा
विजय को बच्चा समझकर उसकी जेब में डाल देते हैं। टीसी के पूछने पर विजय अपने को विजय का चाचा बताते हैं। बस फिर क्या है, चाचा विजय के पीछे पीछे और विजय चाचा के आगे आगे भागते रहते हैं। आले निन्नी मामा निन्नी। चाचा तुम कहाँ जा रहे हो? वो बार बार उसकी जेब में हाथ डालने की कोशिश करते हैं और ये इतना जबरदस्त सीक्वेंस है दोस्तों कि आप हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। फिल्म में बीच बीच में वो बोलते भी हैं, जब अलग अलग जगहों पर वो उनसे टकराते हैं, अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, चाचा क्या करे चाचा, क्योंकि उसे तो हीरा चाहिए बच्चे। बाद में जब एक्टर शम्मी, जो प्राण साहब की गर्लफ्रेंड है, वो भी रोमांस के जरिए हीरा निकालने का जो सीन है इसमें, वो बेहद ही रोमांचक और कॉमेडी से भरा हुआ है। आप जरा देखिएगा इस सीन को कि किस तरह से वो डांस करते करते किशोर कुमार पे पहले डोरे डालती हैं, फिर कोशिश करती हैं कि वो उसकी जेब में हाथ डाल के वो हीरा निकाल। ये फिल्म दोबारा देखें, YouTube पर आपको ये फिल्म मिल जाएगी, पूरी की पूरी फिल्म। बचा ले मुझे, वो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा है, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे। फिल्म का हर सीन, चाहे वो विजय और उनके फादर के बीच हो, विजय और आशा यानी मधुबाला के बीच हो, या विजय और चाचा प्राण के बीच में हो, राइटर सुरीत कार और रमेश पंत ने कॉमेडी का एंगल कभी नहीं छोड़ा है। डायरेक्टर खालिद ने उनपे हर तरह से विश्वास रखा। तुम्हारे माँ बाप है? मधुबाला की सदाबहार चंचलता ने उनके किरदार को और भी हसीन बना दिया। आँखों में चंदे में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो। दोस्तों ये मूवी 1955 की हॉलीवुड मूवी यू आर नेवर टू यंग की शुरुआती प्लॉट यानी ट्रेन सफर के सीक्वेंस से मेल खाती है, जिसमें जेरी लुइस के किरदार ने टिकट के पैसे बचाने के लिए 11 साल के बच्चे का ढोंग किया था, लेकिन मूवी को भारतीय परिवेश में ढालने का उत्तरीन काम किया है निर्देशक और लेखक की जोड़ी ने। एक बात और है जो दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड मूवी यू आर नेवर टू यंग में लीड कैरेक्टर का हाफ टिकट खरीदने के लिए बच्चे में तब्दील होना 1942 की मूवी द मेजर एंड द माइनर से लिया है, जिसमें हॉलीवुड की नामी अभिनेत्री जिंजर रॉजर्स ने फीमेल लीड में इसको निभाया था। मूवी में कई गाने हैं और गानों की थीम भी ज्यादातर कॉमेडी पे ही रही है। किशोर कुमार ने लड़के और लड़की दोनों की आवाज में गा के दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन किया है। लड़की की वेशभूषा में उन्होंने और प्राण साहब ने इस गाने को जिस तरह से निभाया है, ये गाना इतना मजेदार, इतना मनोरंजक लगता है दोस्तों कि आप बार बार इस गाने को रिवाइंड करके देखेंगे, ये मेरा दावा है, और आपके पेट में तो दर्द हो जाएगा हंसते हंसते। तुझे देखू न आए करार, ओ गोरी, ओ गोरी, ओ गोरी, बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं। अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो किशोर कुमार ने प्राण साहब की आवाज में इस गाने को बेहतरीन बनाया ही है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज में भी इसे गाया है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैरेक्टर पे उन्होंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। और इस मूवी का क्लाइमेक्स सीन तो इतना मजेदार है दोस्तों, जिसे बाद में गोविंदा ने भी अपनी आगे एक और फिल्म आई थी जिसमें अडेप्ट किया था। इसमें एक सीन है जब मधुबाला इनसे मिलने आती है, किशोर कुमार जेल में बंद है और किशोर कुमार बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे ही वो मधुबाला को देखते हैं, अपनी प्रेमिका को देखते हैं, तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, इमोशनली होके इतने इतने ज्यादा परेशान हैं वो, और वो उनको देखते ही बोलते हैं, आशा 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 मुझे यहां से बाहर निकालो, या ऐसा करो तुम अंदर आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। जैसे किशोर कुमार को लड़की बनाकर पिक्चराइज किया गया उनपे एक गाना, लेकिन एक बात तो आप और मैं दोनों ही मानेंगे कि केवल 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 और केवल किशोर कुमार ही अपनी बेलगाम एनर्जी से ऐसा कर सकते थे, इसे संभव बना सकते थे। अच्छा आशा, तुम मुझे पागलखाने से बाहर निकालो या तो तुम अंदर आ जाओ। ए, जाओ अंदर। आशा, आशा, मेरी आशा, आशा। दोस्तों
मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी जानकारियां हैं मेरे पास, और भी समीक्षा करेंगे हम आने वाले अपने इस प्रोग्राम में आने वाली फिल्मों की। बस देखते रहिए मेरा ये प्रोग्राम बॉलीवुड इतिहास। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम। मैं फिर मिलता हूं, आपका होस्ट, आपका दोस्त, इतिहासकार, बाय बाय।